ये अधिकारी लोग भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सरकार कब पलटेगी ये पता नहीं चलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने तमाम अधिकारियों को यह बोल कर चेताया है कि सरकार कब पलट जाएगी कोई पता नहीं, सारी बातें रिकॉर्ड हैं। पिछले दिनों बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान क्या कुछ घटनाक्रम हुआ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे विपक्ष के विधायकों को पुलिस वालों ने जी भर कर पीटा। कार्रवाई के दौरान जब विधायकों ने कहीं ना कहीं खलल डाली और विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर उन्होंने धरना दे दिया, उन्हें कैद कर दिया उनके ही रूम में, तो ऐसे में पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बोल रहे थे, चेता रहे थे अधिकारियों को, क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राइट है कि जो चीज़ अगर गलत है उसको सदन में हम लोग गलत बोल, मुख्यमंत्री कहते रहे हमको बोलने बहस करना चाहिए था, हमने वो वीडियो भी डाला जहाँ हमको बोलने नहीं दिया गया, और मेरे कौन से सवाल का जो है जवाब मुख्यमंत्री जी ने आज तक देने का काम किया। ये बिहार पुलिस जो है आप कह सकते हैं ये जदयू पुलिस हो गई है, ये नीतीश कुमार जी की पुलिस हो गई है, जदयू की पुलिस हो गई है, और ये अधिकारी लोग भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करेंगे। हमारा लड़ाई चलता रहेगा और हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो काला कानून जो पेश किया है इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो संशोधन उनको करना पड़ेगा। किस तरह का कानून है ये? जब सीआरपीसी में पुलिस को राइट है गिरफ्तारी करने का, आपके सब पुलिस के सामने कोई घटना होनी हो तो गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे काले कानून लगा रहे कि सोशल मीडिया में आप लिखो तो आपको जेल में बंद कर देगा, सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल में बंद कर देगा, सदन में हम खड़े के विरोध करें तो हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म नीतीश कुमार जी में अब नहीं रह गई, शर्म और नैतिकता को उन्होंने बेच दिया। अब तो ज्यादा दिन कितना दिन कोई एक पद पे रहेगा, मुख्यमंत्री के पद पे कोई परमानेंट आज तक तो हुआ नहीं, और ये अधिकारी लोगों को समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं, सरकार कब पलटेगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी जो की गई है मुख्यमंत्री के इशारे पे, सारी चीजें जो है आप स्पीकर महोदय पे डाल रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार जी कि पहली बार कब अध्यक्ष के कक्ष का घेरा हुआ था, बताएं कि कब कोई बिल का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, लेकिन आप फोर्स बाहर से बुला बुला करके भेजने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता। जो धरना स्थल है वहां लोगों को लाठी पीटा जाता है, वहां परमिशन नहीं दी जाती है, ऐसे लोकतंत्र में व्यवस्था होती है। और उस दिन यह काला कानून लाया गया जिस दिन लोहिया जी की जयंती रही, जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत देने का काम किया, शहादत दिवस के रूप में लोग मनाते हैं, क्या काम हुआ? लोहिया जी की जयंती, लोहिया जी ने कहा था, हम फिर से दोहराते हैं कि सड़कें अगर सुनी हो जाए तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है, और लोहिया जी को उस दिन फूल चढ़ाने का काम कर, और आप सड़क से लेकर सदन तक जनप्रतिनिधियों को और मासूम लोगों को पिटवाने का काम कर रहे हैं लोहिया जयंती के दिन, और अंग्रेज का कानून ला रहे हैं जिस दिन भगत सिंह जी ने शहीद हुए शहादत देने का काम किया।
आपको बहस करना नहीं था, आपका पहले से प्री प्लांट था और हमारे ऊपर जानलेवा हमला। ये पत्थर बोल्डर आए कहां से? हम सारे फुटेज लेकर के रखे हैं। ये लोग ना समझे कि यही लोगों की होशियारी चलेगी, इनसे ज्यादा हम लोग होशियार हैं। और जिस प्रकार से लोगों ने हमला किया, कुछ जो बर्खास्त स्व जाती है, कभी देखा आपने सिविल ड्रेस में गुंडे की तरह घूम रहे पूरे विधानसभा में? क्रिमिनल अपराधी घूम रहा है बाहर मजे से, अपराध कर रहा है। रुपेश हत्याकांड का कोई पता नहीं चला, गुप्ता ब्रदर्स का कुछ नहीं पता चला। इनकी पुलिस कर क्या रही? क्या मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ? वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तारी हुई नहीं, वारंट कर रहा है। क्या मजाक बना रखा है? पालिका गृह हो, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को नहीं कहा? सृजन घोटाला हो, क्या क्या नहीं हुआ? एक आध घोटाले हो तब तो बताएं। तो आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है और चेताया है कि कब सरकार पलट जाएगी पता नहीं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कल जो बिहार बंद बुलाया गया है उसे आरजेडी ने भी समर्थन दिया है। कल पटना की सड़कों पर क्या नज़ारा रहेगा उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।